ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा आने वाला है। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी NMRC बहुत ही जल्द नोएडा को ग्रेटर नोएडा वेस्ट यानी नोएडा एक्सटेंशन से जोड़ते हुए एक नए मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू करेगा जो नॉलेज पार्क 5 तक होगा। इसके लिए NMRC के बोर्ड बैठक में DPR को मंजूरी दे दी गई है। लंबे समय से ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वाले हाउसिंग सोसाइटी के लोग नोएडा एक्सटेंशन में मेट्रो की मांग कर रहे थे। लोगों की मांग को देखते हुए नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने नई मेट्रो के लिए DPR तैयार किया था जिसे NMRC के बैठक में मंजूरी दे दी गई है। 2,991.62 करोड़ की लागत से बनने वाले इस नए मेट्रो कॉरिडोर में करीब 11 मेट्रो स्टेशन जोड़े जाएंगे जो नोएडा को ग्रेटर नोएडा वेस्ट से नॉलेज पार्क 5 तक जोड़ेगा। इस पूरे नए मेट्रो कॉरिडोर की लंबाई लगभग 17.435 किलोमीटर होगी। खास बात यह है कि दिल्ली से डायरेक्ट ग्रेटर नोएडा वेस्ट की तरफ जाने वाले लोगों को भी इससे मेट्रो के कॉरिडोर से बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC दोनों ने वार्ता कर सेक्टर 61 ब्लू लाइन को इस नए मेट्रो कॉरिडोर से जोड़ने की योजना बनाई है। एक्वा लाइन पर सेक्टर 51 से जुड़कर यह मेट्रो कॉरिडोर सेक्टर 61 से शुरू होगा जो एक्वा लाइन और ब्लू लाइन के लिए इंटरचेंज होगा। उसके बाद यह मेट्रो कॉरिडोर सेक्टर 70 से सेक्टर 122 होते हुए ग्रेटर नोएडा वेस्ट की तरफ ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 5 तक जाएगा। अब आइए जानते हैं कौन कौन से मेट्रो स्टेशन होंगे इस नए मेट्रो कॉरिडोर में। सबसे पहला स्टेशन होगा नोएडा सेक्टर 61 जो नए मेट्रो कॉरिडोर में एक्वा लाइन और ब्लू लाइन में इंटरचेंज बनेगा। उसके बाद नोएडा सेक्टर 70, नोएडा सेक्टर 122, नोएडा सेक्टर 123, ग्रेटर नोएडा सेक्टर 4, इकोटेक 12, ग्रेटर नोएडा सेक्टर 2, ग्रेटर नोएडा सेक्टर 3, ग्रेटर नोएडा सेक्टर 10, ग्रेटर नोएडा सेक्टर 12, ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 5। इस नए मेट्रो लाइन के बनने से सबसे ज्यादा ग्रेटर नोएडा वेस्ट यानी नोएडा एक्सटेंशन और सिटी के आसपास कि सड़कों पर होने वाली हैवी ट्रैफिक से निजात मिलेगी। आपको बता दें कि नोएडा एक्सटेंशन के हाउसिंग सोसाइटी में लाखों लोग रहते हैं जिस कारण लंबे समय से नोएडा एक्सटेंशन के लिए मेट्रो की मांग की जा रही थी। आबादी ज्यादा होने के कारण जो नोएडा एक्सटेंशन के आसपास के इलाके हैं वहाँ सुबह शाम लोगों को हैवी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। ये नया मेट्रो कॉरिडोर न केवल लोगों की यात्रा में काम आएगा बल्कि सड़क पर ट्रैफिक होने से और भीड़ जो बढ़ती है उससे भी निजात दिलाएगा। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ और जब तक ज्ञान के अंधे मत बनो।